यार, पिछले वीडियो में हमने बालकों का इंट्रोडक्शन किया। इसके बाद में हम अब चर्चा करेंगे कि स्रोत के आधार पर बालक, यानी बालकों को कैसे कैसे स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, उसके आधार पर उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक बालक। यानी प्राकृतिक बालक वे बालक होते हैं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यानी प्रकृति से प्राप्त करते हैं। उसमें किसी भी चीज़ के अन्य चीज नहीं मिलाते हैं, उसमें अन्य सामग्री नहीं मिलाते हैं, रसायन या कुछ भी नहीं मिलाते हैं, उन्हें प्राकृतिक तरीके से प्राप्त करते हैं। वो प्राकृतिक बालक कहलाते हैं। जैसे उन प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, न्यूक्लिक एसिड है, ये प्राकृतिक बालक है। इसके बाद में सेकेंड है अर्धसंश्लेषित बालक, यानी जो प्रकृति से बालक प्राप्त होते हैं उसमें ही कुछ केमिकल या रसायन मिला दिए जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अर्धसंश्लेषित बालक। सेलुलर नाइट्रेट, यानी सेलुलोज जब उसमें नाइट्रेट मिला दिया तो सेलुलर नाइट्रेट हो गया, सेलुलोज में एसिटेट मिला दिया तो सेलुलर एसिटेट हो गया, तथा वल्केनाइज्ड रबड़ है, यानी रबड़ है उसमें सल्फर मिला देंगे तो वल्केनाइज्ड रबड़ बन जाएगा, यानी सल्फर के क्रोसमन बन जाएंगे तो ये वल्केनाइज्ड रबड़ बन जाएगा, तथा ये अर्धसंश्लेषित हो जाएगा। यानी प्राकृतिक बहुलक में कुछ मात्रा में रसायन मिला दिए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं अर्धसंश्लेषित बहुलक। यानी सेलुलोज है, ये प्राकृतिक बहुलक है, इसमें हमने नाइट्रेट मिला दिया, इसमें एसिटेट मिला दिया, तथा वल्केनाइज्ड जो रबड़ है उसमें हमने सल्फर मिला दी, सल्फर बनाने के कारण इसमें क्रॉस बन जाते हैं रबर में। अब पहले संश्लेषित बहुलक, यानी इसे पूर्ण रूप से संश्लेषित किया जाता है प्रयोगशालाओं में। तो पॉलीथीन है, मान लीजिए एथीन है, CH2, जब इसको गर्म करेंगे हम तो ये पॉलीथीन बनेगा, यानी एथीन को गर्म किया तो पॉलीथीन, यानी हमें इन्हें संश्लेषित करते हैं प्रयोगशाला में, कुछ में भी संश्लेषित करके बन जाता है PVCN पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन गया। नायलॉन 66 है, नायलॉन 66 दो एकल इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो हेक्सामेथिल मेथिल डायमीन प्लस रहता है एडिटिक अम्ल, ये दो एकल इकाइयां मिलती हैं, तथा नायलॉन 66 का निर्माण होता है। इनका निर्माण पूर्ण रूप से प्रयोगशाला में ही किया है। ये है इसके बाद में संरचना के आधार पर बालक, यानी इनकी जो संरचना है कि वो कैसी है उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया। संश्लेषित रबर को हम संश्लेषित करके ही बनाते हैं, यानी इनका संश्लेषण किया जाता है। संरचना के आधार पर अगला दूसरा नंबर का रेखीय बहुलक, यानी जिन बहुलकों की संरचना रेखीय है वो रेखीय बहुलक हैं, उनका जो गलनांक है, तन्य सामर्थ्य है, तथा घनत्व है वो उच्च होता है। अब रेखीय बहुलक में कौन कौन से आते हैं, नायलॉन 66 है जो हेक्सामेथिल डायमीन प्लस एडिटिक अम्ल से मिलकर बना होता है, डायक्रोन है, तथा HDPE है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी उच्च घनत्व पॉलीथीन है, वो भी रेखीय बहुलक में आती है। तथा सांख्यिक बहुलक, यानी जो रेखीय बहुलक है ऐसे, यदि रेखीय बहुलक हो गई उनमें ही यदि इनके हिस्से से कुछ ब्रांच बन जाती है तो इन्हें हम बोलते हैं सांख्यिक बहुलक। तो सांख्यिक बहुलक में ग्लाइकोजन आता है, LDPE यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन आती है, तथा इनका गलनांक और तनन सामर्थ्य कम होती है बजाय रेखीय बहुलक होगी। इसके बाद में क्रॉस बहुलक प्राकृतिक, यानी यदि इनमें ऐसे जैसे मतलब प्राकृतिक रबड़ है उसमें हम क्रॉस बंध बना देंगे, सल्फर मिला देंगे तो सल्फर के क्रॉस बंध बन जाएंगे, उसमें वल्केनाइज्ड रबड़ प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए हम क्रॉस बहुलक कहते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक है उसमें सल्फर मिला देते हैं, उसमें कठोरता डालने के लिए, इसलिए हम क्रॉस बहुलक यानी प्राकृतिक बहुलक में सल्फर मिलाएंगे तो क्रॉस बहुलक हो जाएगा। इसके बाद में
हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि पॉलिथीन